विजय जैन यूएसए। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि कोई मूर्ति बनाने के लिए चंदा मांगता है तो हम नहीं दें तो इसमें कोई दोष तो नहीं है? चंदा के लिए, मूर्ति के लिए चंदा देना ही नहीं चाहिए। मूर्ति सदा एक कुटुंब से, एक परिवार से बनना चाहिए। चंदा चिट्ठा करके मूर्ति बनाना, वो मूर्ति अतिशयकारी नहीं होगी। वो मूर्ति में वो रूप नहीं आएगा। मूर्ति में हमेशा धन भी एक गोत्र का लगा हो, मूर्ति में गोत्र की स्थापना होती है। तो ऐसी स्थिति में आचार्य श्री सदा कहा करते, आपको मालूम बहुत साल पहले ज्ञानोदय में पीतल की मूर्ति करने के लिए पीतल इकट्ठा किया गया था। भी रखा है। हाँ, अभी भी रखा है, चिंता नहीं करना, रखा है, सुरक्षित है। खूब खूब हुआ था। लेकिन जब आचार्य श्री को मालूम चला, पूछा गए, तो आचार्य ने कहा कि ये किस लिए पीतल इकट्ठा है? तो सब अशोक जी भगवान बताया कि इसलिए पीतल है, कमेटी थी, भागचंद गदिया थे उस समय। तो आचार्य ने कहा नहीं, चंदे चिट्ठे से मूर्ति नहीं बनेगी। कितनी बड़ी मूर्ति बनाए, एक ही सेठ एक ही दातार बनाएगा। तो महाराज जी, इतनी बड़ी मूर्ति का दातार कहाँ से आएगा? बोले, इसकी चिंता मत करो, तुम अपने आप जब भगवान बनाने का भाव आया है तो दुनिया में दाता कहीं पैदा हो चुका है जो बनाने का भाव कर रहा है। हाँ, जब भाव आया है बनाने का तो दाता भी उसका है। जिसने पेट दिया वो रोटी भी देगा, जिसने जीवन दिया वो कफन भी देगा। जिसने भावना की है कि मूर्ति बनना चाहिए, वो मूर्ति बनाने वाला भी देगा, आप इसकी चिंता छोड़ो। उसी समय आचार्य का नहीं, मूर्ति में एक गोत्र का संस्कार होना चाहिए। जैसे बेटा एक गोत्र का होता है, ऐसे मूर्ति भी एक गोत्र की होना चाहिए। आचार्य ने कबौत, तो ऐसी स्थिति को लेकर के आप लोगों को चंदा चिट्ठा मूर्ति के नाम से वेदी में दे दो, मंदिर में दे दो, शिखर में दे दो, सब में दे दो, अकेले मूर्ति में चंदा ना देना चाहिए ना लेना चाहिए।